तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। दोस्तों आईपीएल 2022 से बाहर होंगे हार्दिक पांड्या। खुद हेड कोच आशीष नेहरा ने दे डाला ऐसा बड़ा बयान कि सुनने के बाद गुजरात के फैंस को लगा झटका। तो दोस्तों आप सभी को आशीष नेहरा का ये पूरा बयान तो बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले आप सभी क्या मानते हो कि हार्दिक पांड्या को गुजरात की टीम में वापस आना चाहिए या फिर नहीं? आप अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए बात करते हैं इस पूरी खबर के बारे में। दोस्तों तो जैसे कि आप सभी को पता है कि इंडियन प्रीमियर लीग 2022 सीजन के 24वें मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 37 रनों के अंतर से करारी शिकस्त दी थी। तो वहीं मैच में जीत के हीरो टीम के कप्तान हार्दिक पांड्या रहे थे। उन्होंने नाबाद 87 रन बनाए और एक विकेट भी लिया और वे प्लेयर ऑफ द मैच भी इस दौरान चुने गए थे। हालांकि इस ऑलराउंडर परफॉर्मेंस के कारण हार्दिक पांड्या के फैंस के लिए एक बड़ी चिंता भी सामने आ गई थी। दरअसल दोस्तों मैच में गेंदबाजी के दौरान हार्दिक पांड्या चोटिल होकर मैदान के बाहर चले गए थे, लेकिन उस समय ऐसा लग नहीं रहा था कि उनकी परेशानी आखिरकार कितनी बड़ी है और वो कितने लंबे समय तक बाहर टीम से रह सकते हैं। लेकिन इसी बीच हम सभी ने जब अगला मुकाबला गुजरात टाइटंस की टीम का देखा तो उसमें हमने ये पाया कि हार्दिक पांड्या चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ कप्तानी करते हुए दिखाई नहीं दिए थे। जी हाँ दोस्तों, उनकी जगह पर राशिद खान ने कप्तानी की थी और अब ऐसे में खुद आशीष नेहरा ने हार्दिक पांड्या की इंजरी के ऊपर काफी बड़ा अपडेट दिया है और एक ऐसी बड़ी वजह बता दी है कि जिससे हार्दिक पांड्या आगे के मुकाबलों में भी बाहर रहने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता ही है कि आशीष नेहरा गुजरात टाइटंस की टीम के हेड कोच हैं, जिन्होंने अपने कंधों पर सारा भार संभाल रखा है और ऐसे में अब वो मीडिया के सामने बयान देते हुए कहते हैं कि हार्दिक को गेंदबाजी के दौरान चोट लग गई थी, हालांकि उनकी बैक में इंजरी आई है और हार्दिक को जब क्रैम्प आया था तो वो एक एंटन बनाकर छोड़ गया, जिसके चलते हार्दिक को उस इंजरी के चलते अब आगे आने वाले मुकाबलों में भी बाहर रहना पड़ सकता है। हालांकि डॉक्टर ने कहा है कि हार्दिक इसको जल्द से जल्द रिकवर कर सकते हैं अगर वो वर्कलोड मैनेजमेंट पर अपना ध्यान देते हो। तो वहीं दोस्तों आगे बात करते हुए आशीष नेहरा ने बताया कि हार्दिक की इंजरी ये ज्यादा बड़ी इंजरी नहीं है और वो जल्द से जल्द टीम में वापसी करने के लिए देखेंगे, लेकिन हम सब उम्मीद ये कर सकते हैं कि एक दो मुकाबलों के लिए हार्दिक टीम के लिए अवेलेबल नहीं होंगे, लेकिन आगे होने वाले मुकाबलों के लिए वो जरूर टीम का हिस्सा रहते हुए दिखाई देने वाले हैं। तो ऐसे में दोस्तों काफी बड़ा अपडेट आशीष नेहरा ने खुद हार्दिक पांड्या के ऊपर दे दिया। बाकी अब आप सभी की क्या राय है, आपको क्या लगता है, क्या गुजरात टाइटंस की टीम में हार्दिक पांड्या को आना चाहिए या फिर नहीं? आप अपनी कीमती राय और विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।